एक बार फिर एक और प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ है। दिल्ली की रहने वाली नैंसी शर्मा का शव सड़ी गली हालत में पानीपत में रिफाइनरी के पास झाड़ियों से बरामद किया गया है। मृतका 11 नवंबर के बाद से लापता थी। मृतका की हत्या का आरोप पति साहिल, उसके मामा के लड़के और दोस्त पर लगा है। नई दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र की रहने वाली नैंसी ने साहिल नाम के लड़के से 7 मार्च को शादी की थी। परिजनों का आरोप है कि नैंसी ने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से शादी की। बाद में साहिल और उसका परिवार नैंसी के साथ मारपीट करने लगा। जब नैंसी के साथ मारपीट की जाती थी तो घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया जाता था। साहिल कई दिनों से नैंसी को ड्रग्स के लिए पैसे लाने के लिए परेशान कर रहा था। इसके चलते उसकी हत्या कर शव रिफाइनरी के पास फेंक दिया गया। कोचिंग करने जाती थी, जो कि पार्टी में किसी फंक्शन में गई थी, जिससे साहिल चोपड़ा की इसकी मुलाकात हुई थी। जब इसकी मुलाकात हुई थी, इन दोनों फ्रेंडशिप हो गई थी, जिसके पीछे वो लड़की बहुत ज्यादा पागल हो गई थी, जो परिवार की नहीं मानती थी। तो उसके बाद जब पता कर हमने साहिल चोपड़ा के लिए कि लड़का है, आज था शराब पीता था, काफी वो था। फिर उसके बाद मैंने उस लड़की से बात करी, मैंने नैंसी इसका चक्कर छोड़ दे, लड़का सही नहीं है। तो लड़की ने मेरी बात ना माने तो परिवार से आगे होके इस लड़के से लव मैरिज करी है। लव मैरिज करने के बाद से लड़की वो नशा कराया जाता था, तो दहेज के लिए मारा जाता था, इतना टॉर्चर कराया जाता था, गला भी दबाते थे। मेरे ये साहिल चोपड़ा, उसकी मम्मी रोशी चोपड़ा, अश्विनी चोपड़ा इसके जो फादर है और उसका दादा, जब मेरी बेटी को मारते थे, घर में कैमरे लगे हुए थे, तो मुंह बंद कर करके मारते थे लोग। तो 11 तारीख को लास्ट जो था फोटो आई थी, जो कि मेरी बेटी को मारा था इन्होंने, तो उसके बाद उसके घर का फोन बंद चोपड़ा का और मेरी बेटी का फोन बंद जा रहा था। तो उसकी माँ रोशी चोपड़ा कहती है वो गए हैं ये अपना हरिद्वार ऋषिकेश गए घूमने के लिए। तो जब हमारे तसलीन, जब नैंसी की फ्रेंड प्रांजलि, शरण्या, सोनाली, इन लोगों ने बताया कि अंकल आपकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, आप पुलिस कंप्लेंट करो आप। तो जब मैंने 23 तारीख को पुलिस कंप्लेंट करी 100 नंबर की, 100 नंबर कॉल करने हम जब इसके घर पे गए थे, तो इसका पीसीआर वाले, मैं और मेरी मम्मी, तो उसका जब दादा मिला था, दादा कहते हैं बच्चे फ्रांस चले गए हैं, और परेशान मत हो बच्चे आ जाएंगे। तो मैंने कहा फोन बंद क्यों है, कह रहे उनका फोन बंद क्यों है, तो उन्होंने ये बोला था कि फोन बंद नहीं है, तो स्विच ऑफ हो गया होगा तुमको, तो कोई परेशान हो बच्चे आ जाएंगे, एक दो दिन में बच्चे आ जाएंगे। नैंसी मिली हमें यहाँ पे पानीपत रिफाइनरी पे। कल जब SHO साहब ने CDR फाइल वगैरह इनके निकलवाई, डिटेल वगैरह निकलवाई इनकी, तो उसके बाद आज सुबह 7:30 बजे SHO साहब का मेरे पास फोन आया कि आप पानीपत रिफाइनरी आ जाओ आप। मैं अपने परिवार सहित जब रिफाइनरी पानीपत रिफाइनरी आए, तो मेरी बेटी सड़ी गली हालत में मुझे मिली। अब आपको बताते हैं मामले का खुलासा कैसे हुआ। मृतका नैंसी की दो सहेलियां हैं, जिनका नाम प्रिया अंजलि और सरानिया है। 12 नवंबर को प्रिया अंजलि ने नैंसी शर्मा को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आया। इसके बाद 13 नवंबर को प्रिया अंजलि नैंसी के घर गई। घर में सिर्फ नैंसी के ससुर अश्विनी शर्मा मिले। नैंसी के ससुर ने प्रिया अंजलि को कहा कि नैंसी और उसका पति घूमने फ्रांस गए हैं। वहीं जब 15 नवंबर को प्रिया अंजलि ने नैंसी की मां रोशनी शर्मा से फोन पर बात की, तो उन्होंने बताया कि घूमने के लिए हरिद्वार गए हैं। इसके बाद प्रिया अंजलि और सरानिया ने नैंसी की मां को फोन कर बताया कि नैंसी काफी दिनों से घर पर नहीं है, उसके साथ ससुर भी अलग अलग बता रहे हैं। जिसके बाद शक होने पर नैंसी के घर वालों ने पुलिस में शिकायत की। शिकायत देने के बाद साहिल सामने आया और उसने पुलिस से कहा कि नैंसी ठीक है। साहिल ने पुलिस को बताया कि उसने नैंसी को 11 नवंबर को नई दिल्ली में पश्चिम विहार फ्लाईओवर के पास छोड़ दिया था। उनका आपस में झगड़ा हो गया था। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की और 25 नवंबर को दोबारा पूछताछ के लिए साहिल को थाने बुलाया। सख्ती से पूछताछ करने पर साहिल ने अपना जुर्म कबूल किया और नैंसी की हत्या का शव को पानीपत में रिफाइनरी के पास झाड़ियों में फेंक देने की बात कही। आई थी अरेस्ट करके उसकी निशानदेही पर ददलाना गांव की झाड़ियों में एक डेड बॉडी लड़के की बरामद हुई है। कार्रवाई कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के साथ, हमारी मतलब थाने की पुलिस भी लगी। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? हाँ, वो चल रहा है, पोस्टमार्टम ले आए हैं डेड बॉडी।